आप मार्केट में जाएंगे, आपको मेड इन अमेरिका का सामान मिलेगा, मेड इन चाइना मिलेगा, मेड इन फ्रांस मिलेगा, मेड इन जर्मनी मिलेगा, लेकिन मेड इन सऊदी अरेबिया नहीं मिलेगा, मेड इन इराक नहीं मिलेगा, मेड इन सीरिया नहीं मिलेगा, और मेड इन पाकिस्तान तो मिल ही नहीं सकता। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कार चलाने की परमिशन दी वुमन को। इतना धनी मुल्क, ऑयल रिजर्वॉयर, लेकिन वुमन को कार चलाने की परमिशन नहीं दी सऊदी अरेबिया में। और अमेरिका में इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आखिर ये दो देश, दो डिफरेंट सोशल स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। ये जो वुमन की इंडिपेंडेंस हुई मॉडर्न पीरियड में, आज जो वुमन को इतनी आजादी मिली, स्वतंत्रता, हिस्ट्री कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं कि उसे आप रटेंगे। आज पश्चिम की तरफ जहां भी इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन है वहां वुमन आजाद है। आज फेमिनिज्म अफगानिस्तान में नहीं है। अभी हफ्ते भर पहले एक वीडियो आया था, उसमें हंटर से औरतों को मारा जा रहा था, किसी फेमिनिस्ट ने पूरी दुनिया में कहीं भी आवाज नहीं उठाई। तो ऐसा क्या है कि पश्चिम में वुमन को इतनी आजादी है, अरब वर्ल्ड में नहीं है? यूपी, बिहार, हमारे ही देश में कई सारे क्षेत्र हैं जहां वो वुमन की स्थिति बहुत खराब है। इसके पीछे वजह क्या है और आजादी मिली कैसे? कैपिटलिज्म की वजह से। 15 सेंचुरी में एक चीज शुरू हुई जिसको कहते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देता है, एक योग्यता पे, एक इंटरेस्ट पे। उससे मतलब ही नहीं आप कौन हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कश्मीर से हो, कुछ भी नहीं। औरत की आजादी की कहानी शुरू की कैपिटलिज्म ने, और औरत को पूरी तरह आजाद कराया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने। आज भी अगर आप कहीं रियल एस्टेट का काम चल रहा होगा, अगर आप वहां जाएंगे तो अगर किसी मेल को 500 रुपए पर डे मिलता है तो वुमन को 300 रुपए पर डे मिलता है। तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो वुमन बनी चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज, और जब वुमन बनी चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज तो वुमन का इंटरेस्ट अटैच हो गया किससे? कैपिटलिस्टों से। तो फिर कैपिटलिस्टों ने फंड करना शुरू किया, पैसा, फाइनेंस, और वहीं से शुरू हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट।